गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। चलिए कल से कल जो कल का गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए उन्हीं आर्टिस्ट को देखेंगे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। आज देखेंगे हम सैयद हैदर रजा। आपका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ, किंतु आपके ऊपर विशुद्ध भारतीय एवं ईसाई संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। आपने सन 1939 में नागपुर के स्कूल ऑफ आर्ट में कला छात्र के रूप में प्रवेश लिया, जहां बापूराव अटावले का भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ। सन 1947 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आपका प्रवेश हुआ। पैक के सदस्य के रूप में तत्कालीन एवं प्रतिष्ठित सभी कला शैलियों से आपने मुकाबला किया, उसमें सभी में काम किया उन शैलियों में। 1950 में आपको फ्रांसीसी सरकार ने सम्मानित किया। वॉन गॉग, सेजा व गोगा की मूल कृतियों को देखने की अदम्य लालसा एवं कला के प्रति नवीन खोज ने आपको फ्रांस में ही स्थापित कर दिया, जिसके संदर्भ में आपने स्वयं कहा था कि फ्रांसीसी कला ने मुझे काफी हद तक प्रभावित किया। अगर मैं कहूँ कि मैंने वहां जाकर कुछ नहीं सीखा तो मेरा रहना वहां व्यर्थ था। आपका मानना था कि मैं एक चित्रकार हूं और चित्र बनाना चाहता हूं। मुझ में भी कभी कभी बदलाव की इच्छा होती है और उस बदलाव की इच्छा को शांत करना मेरा बहुत आवश्यक है। आपके बनाए गए चित्रों में गहराई है, नई अभिव्यक्ति एवं अर्थ संधान खोजने में आपका रचना संसार बेहद अनूठा है। आप मानते थे कि रंगों का संयोजन कला में विशेष महत्व का है, उनकी उपयोगिता को वैयक्तिक स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। कई चीजें हैं जिन्हें हम संप्रेषित नहीं कर सकते, उन्हें केवल रंगों के द्वारा ही व्यक्त होना होता है। आपके लाल, सफेद, नारंगी, काले रंग हमारी मानसिक जटिलताओं और प्राकृतिक रहस्यात्मकता से हमारा साक्षात्कार कराते हैं, तो कभी एक वर्णीय चित्र हमें चकित कर देते हैं। आरंभ में आपने प्रकृति चित्रण एवं रेखाओं में चित्र निरूपित किए, किंतु धीरे धीरे इससे मोह त्याग दिया और रंगों द्वारा ही अपने चित्रों को वैचारिक एवं दार्शनिक आधार देने लगे। कलाकृतियों को नीलाम करने वाली कंपनी क्रिस्टी ने रजा की राजपुताना शीर्षक वाली पेंटिंग की 220,300 डॉलर में नीलामी की थी। नीलामी में इतनी बड़ी रकम मिलने पर दक्षिण पूर्वी एशियाई कला विभाग के प्रमुख मिस्टर ह्यूगो ने रजा की पेंटिंग के लिए इतनी बड़ी कीमत मिलना ये सिद्ध करता है कि एशियाई पेंटिंग्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई। रजा के चित्रण कार्य के साथ साथ लेखन कार्य भी हैं। अपनी आत्मकथ्यात्मक पुस्तक आत्मा का ताप, जिसका लोकार्पण 2005 में अलायंस फ्रांसिस द दिल्ली आर्ट गैलरी में आयोजित हुआ था, लोकार्पण सुप्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर की गैर मौजूदगी में सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने किया था। KHRR। आपका जन्म सिकंदराबाद के उपनगर बोलारम में कार ड्राइवर हबलाजी के घर हुआ, जहां आपका नाम कृष्ण रखा गया। पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी,
जिसके कारण पांचवी कक्षा से आगे आपकी पढ़ाई ना हो सकी। अतः विद्यालय का मोह त्याग कर जीवन रूपी विशाल समुद्र में अकेले ही तैरने का अभ्यास करने लगे। जीवन यापन के लिए अपने स्टेशनों में कुलीगिरी, मोटर मैकेनिक, ड्राइवरी एवं घरेलू जैसे और छोटे मोटे सभी कार्य किए, किंतु लक्ष्य का जो संधान था वो एक ही रहा, चित्रकार बनने का। आपका यह स्वप्न अनवरत कठोर साधना के पश्चात ही साकार हुआ। लगभग 30 वर्षों पूर्व एक साक्षात्कार में आपने कहा था, कलाकार जब तक अपने आप को समाज के मूल्यों, द्वंद्वों एवं संघर्षों से एक रूप नहीं कर देता है, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक निरूपण नहीं कर सकता। मैं स्वयं जीवन की विकट परिस्थितियों से गुजरा हूँ, उनके ताप को मैंने झेला है। जीवन की इन्हीं सच्चाइयों को मैं कैनवास पर उतारने का प्रयास करता हूँ। किसी भी विषय पर चित्रण कार्य मैं तभी करता हूँ जबकि उस कार्य को चित्रण करने हेतु बहुत अधिक विकल्प हो जाता हूँ। सन 1952 तक आपने अनेक प्रदर्शनियों में चित्र प्रदर्शित किए और पुरस्कार प्राप्त किए। आरा वह महान कलाकार थे जिनकी सत्प्रेरणा एवं सत प्रयासों के फलस्वरूप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हो सकी। आरंभ में आरा ने इस संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए अनेक कलाकारों को इसके साथ जोड़ा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में आपके इस योगदान को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा। आरा ने अपने चित्रों में यू तो दृश्य चित्रण, ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक चित्रण, स्टिल लाइफ आदि विषयों को कभी यथार्थपूर्ण ढंग से और कभी अन्य तरीके से चित्रित किया है, जिन पर मातेस एवं मोरंदी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सन 1984 में लगभग 50 वर्षों की कला साधना के लिए आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 21 मई 1985 को आपका देहावसान हुआ। आपके निधन से भारतीय कला जगत की अपूर्णीय क्षति हुई, लेकिन आपकी चित्राकृतियों से आधुनिक कला इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान हमेशा के लिए बना लिया। मकबूल फिदा हुसैन। भारतीय समकालीन कला बाजार का यदि सबसे चर्चित नाम देखा जाए तो निसंदेह प्रख्यात चित्रकार श्री मकबूल फिदा हुसैन का ही है, जो समूची पीढ़ी का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। आपका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक गांव में हुआ। कला की आरंभिक शिक्षा इंदौर में कला गुरु देवलालिकर से ली, जहां आपके जीवन पर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मिलाजुला प्रभाव पड़ा। 1936 में आपने मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और पेट की आग बुझाने के लिए चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे सिनेमा के होर्डिंग्स जो है बनाने लगे। 10 वर्षों का लंबा समय संघर्षों में बीता। सन 1941 में आप मुंबई के दूसरे बड़े होर्डिंग पेंटर के रूप में स्थापित हो गए, साथ ही फर्नीचर डिजाइनर के रूप में आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली। 1946 में आपने अपनी नौकरी छोड़ दी और संपूर्ण समय चित्रांकन में व्यतीत करने लगे। एक बरस के पश्चात आपने इन पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स आपने इकट्ठी की थी बनाकर, उनकी प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें आपने भरपूर सराहना प्राप्त की।
सूजा एवं रजा की इस प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए तथा आपने जो कार्य किया था उससे इतने अधिक प्रभावित हुए कि आपको पैक ग्रुप में शामिल कर लिया। इस दौरान मुंबई की आर्ट सोसाइटी ने भी आपको पुरस्कार प्रदान किया। यहीं से आपके जीवन में प्रसन्नता एवं प्रतिष्ठा का नया अध्याय आरंभ हो गया। यह वर्ष भारतीय स्वतंत्रता का भी वर्ष था। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली और हुसैन को यूरोपीय प्रभाव और बंगाल शैली से। 35 वर्ष की उम्र में हुसैन ने मुंबई में प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक पेंटिंग्स हाथों हाथ बिक गईं। कला में विविधता एवं परिपक्वता लाने के उद्देश्य से आपने संपूर्ण देश में सघन यात्राएं की। यात्राओं के समय आपने मंदिरों की चित्र विधियों, मूर्तियों, वास्तुशिल्प एवं स्थापत्य का बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन किया। सन 1953 में हुसैन यूरोप यात्रा पर निकल गए। 1955 में आपको ललित कला अकादमी का जमीन कृति के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके उपरांत आपने नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, ज्यूरिख, टोक्यो, रोम, बगदाद, काबुल, न्यूयॉर्क, पोलैंड, जिनेवा, पेरिस, मॉस्को, लंदन आदि में एकल तथा सामूहिक कला प्रदर्शनी। आपको इंदौर स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का फेलो तथा राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हुसैन ने अपने सर्वश्रेष्ठ चित्रों की रचना 50 से 60 के दशक में की, जहां भारतीय एवं पाश्चात्य कला का मिला जुला रूप दिखाई देता है। इन चित्रों में मकड़ी और लैंप के बीच दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में तीन औरतें, घोड़ा, नीली रात आदि चित्र प्रमुख हैं। हुसैन ने महाभारत, रामायण, रागमाला, बनारस, राजस्थान, मैसूर जैसे विषयों पर चित्रों की संपूर्ण श्रृंखलाएं जो है चित्रित की। वो बहुत अधिक बढ़ा दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हुसैन ने इंस्टॉलेशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अधिक प्रभावित बारे से या तथा नए आयाम दिए। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान पेंटिंग में देवाकृतियों के साथ बेअदब का प्रयोग करने के कारण आप आजीवन विवादों में फंसते रहे।
भीड़ से अलग दिखने की प्रवृत्ति के चलते आप चर्चा में बने रहने के लिए कुछ कुछ अजीब चीजें करते रहे। चलने का रिकॉर्ड था, वो भी कुछ इसी तरीके का उनका उदाहरण था। कलाकार के स्तर पर भारतीय जनजीवन में गहराई से उतरकर आपने जो चित्रांकन किया वह हैरत में डाल देने वाला है। आपके बेपनाह खूबसूरत और शक्ति से लवरेज घोड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीय कला जगत में पेंटिंग्स की कीमत बढ़ाने का श्रेय आपको ही जाता है। एक समय में बाजार को कला का दुश्मन मानने वाले हुसैन ने बाद में देश विदेश में अपना भी कला बाजार बना लिया था। 80 के दशक में हुसैन अपनी पेंटिंग मदर टेरेसा के लिए 80,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक मांगते थे, किंतु जैसे ही क्रिस्टीज और सॉटबी ने भारत में आपका मानना था कि उन्हें हमेशा अच्छे एजेंट मिले। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपने कतर की नागरिकता हासिल की, साथ ही करोड़ों रुपए का पेंटिंग का प्रोजेक्ट भी प्राप्त किया, जिसमें उन्हें अरब सभ्यता का चित्रण करना था। लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा होता इससे पहले ही इस मूर्धन्य चित्रकार ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। रामेश्वर बरूटा, नेक्स्ट चित्रकार। आप आकृति मूलक चित्रकार हैं जो मुख्यतः तैल माध्यम में ही कार्य करते हैं, परंतु फिर भी एक चीज है जो उन्हें अनोखा एवं विशिष्ट बनाती है, वो है इन चित्रों की रचनात्मक प्रक्रिया। रामेश्वर बरूटा बड़े आकार के कैनवस पर मानवाकृतियां बनाते हैं तथा उस चित्र के सूख जाने के बाद उसे ब्लेड से खुरच कर धूमिल कर देते हैं। उनकी यह रचनात्मक प्रक्रिया अन्य चित्रकारों से पृथक और विशिष्ट पहचान बनाती है। उनकी कला में जय पराजय, शक्ति एवं शक्तिहीनता आदि सभी के दर्शन होते हैं। आपने अमूर्त चित्रण भी किया है तथा ज्यामितीय रूपाकारों के विभिन्न संयोजनों को भी अपनी कला में प्राथमिकता दी है। भारतीय कला जगत में आपके प्रयोग भारतीय कला जगत में आपका यह प्रयोग जो है वह प्रयोग है जो कि दर्शकों के समक्ष विशिष्ट रूप में सामने आया है। चित्रों में आपने वैसे तो सभी कुछ सजित किया है, चाहे वह मानवाकृतियां हो, अमूर्त हो, ज्यामितीय चित्रण हो, उसे खुरच कर धूमिल करने की जो आपकी शैली है वो नितांत निजी है। अब आप ब्रश का प्रयोग नाम मात्र के लिए ही करते हैं तथा अधिकांश चित्र काले और सफेद रंग की रंगतों में ही उभारते हैं, उन्हें खुरच कर कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। उनकी यह कला उन्हें फोटो कला की फिनिशिंग प्रदान करती हुई प्रतीत होती है। बहुमुखी प्रतिभा के आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं, जिन्होंने न केवल चित्र सृजन किया है अपितु फिल्म निर्माण भी किया है। उनकी फिल्में कला से जुड़ी हुई हैं, उसमें मनुष्य के विभिन्न रूपों मुद्राओं को विशेष रूप से दर्शाया गया है।
इस प्रकार चित्र में उन्होंने ऐसे मनुष्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है जो नग्न तो है पर बुनियादी रूप से वह केवल खड़ा हुआ इंसान है। आपके चित्रों में नवीनता है, इसी कारण आपके चित्र आकर्षक होने के साथ साथ शीघ्र जो है बिक जाने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपकी कलात्मक लोकप्रियता का भी पता चलता है। भारतीय कला जगत में आपकी पहचान एक नवीन प्रयोग करने वाले चित्रकार के रूप में है। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है तैयब मेहता है। समकालीन कला बाजार में इस भीड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले कलाकारों में तैयब मेहता का नाम सर्वोपरि है। कला हाट के शीर्ष श्रेणी में इस कलाकार का जन्म 1925 में गुजरात के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। आपने भी सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकारों के संपर्क में आए। 1954 भारत लौटकर आए और अपने आप को पूर्णतः कला के लिए समर्पित कर दिया। आपने कई कला प्रदर्शनियों में भाग लिया। में वियरलेन गैलरी ऑक्सफोर्ड में आपने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। तत्पश्चात 1965 से लेकर 1968 तक दिल्ली में रहे और अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। वो न्यूयॉर्क चले गए। इस दौरान आपने अमरीकी कला का गहन अध्ययन किया। भारत लौटकर आपने अपनी कला की शैली बदल दी। आप प्रारंभिक कलाकृतियों में मोटे तुलिका खातों का प्रयोग करते थे, जबकि बाद की कलाकृतियों में हमें सपाट रंग योजना में रेखाएं मिलती हैं। रंगों की दृष्टि से यदि देखें तो प्रारंभिक कलाकृतियों में हल्की एवं धूमिल रंग योजना है, जबकि 68 के बाद के चित्रों में जो ये रंग योजना थी वो एकदम चटक हो जाती है, जहां पर उज्जवल रंगों का आपने प्रयोग किया है। आप एक सफल चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार और फिल्म निर्माता भी हैं। आपने 1970 में साधारण व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म कुदाल बनाई थी, जिसे फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से चिकित्सकों की सलाह पर आपने 1980 के दशक में शांति निकेतन में निवास किया और विश्व भारती विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होकर कार्य करने लगे। आप कालिदास राष्ट्रीय सम्मान से भी विभूषित किए जा चुके हैं। त्रिनाले एवं बिनाले प्रदर्शनियों में आप पुरस्कृत हो चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। आपको आपकी कृति महिषासुर के लिए 2005 में कला संस्कृति और शिक्षा के दयावती मोदी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके चित्र मानवीय त्रासदी और जीवन के संघर्ष को अव्यक्त करने वाले हैं। उन्होंने कुछ विषयों को लेकर चित्र बनाए हैं। 1956 में पहली बार अपनी पेंटिंग में एक सांड की आकृति बनाई, जो हिंसा, ऊर्जा और
सृजन का प्रतीक थी। उसके बाद उनकी सर्वाधिक प्रिय आकृति जो है बन गई। उन्होंने इसी आकृति को लेकर के मूर्तियां भी बनाई। इसके अतिरिक्त रिक्षापुलर, महिषासुर, फॉलिंग फिगर, फॉलिंग वर्ल्ड, काली जैसे विषयों पर भी उन्होंने सीरीज बनाई। हल्के हरे, सफेद, पीले, नीले, लाल और धूसर रंगों का आपने अपने कैनवास पर बड़े बड़े रूपाकारों पर प्रयोग किया। कटते, छितराते, फैलते, सुकड़ते आपके रूपाकार दर्शकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। आपकी चित्र छायाएं हमें जीवन के आसपास की ही दिखाई। मैम आपका माइक म्यूट है। म्यूट है, बीच बीच में म्यूट हो जा रहा है। वो प्रॉब्लम होगी बेटा, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। मैम अभी भी अभी फिर से म्यूट हो गया है। अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप कला बाजार में प्रकाश में तब आए जब आपने 2002 में क्रिस्टी के मशहूर नीलामी समारोह में सेलिब्रेशन नामक कृति 1.5 करोड़ रुपए में बेची। इस कृति को 1995 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स बैंक को अधिकृत किया था। जब बैंक बंद हुआ तो इसकी नीलामी की गई। इससे पूर्व क्रिस्टी की सन 1995 में नीलामी में आपके दो कार्य तथा सन 1997 के नीलामी समारोह में 4 कृतियों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें आपकी एक अनटाइटल कृति जो है 5.9 लाख रुपए में जो है खरीदी गई, 5,90,000। तत्पश्चात 2005 तो आपके लिए यश और प्रतिष्ठा के अवसर लेकर के आया। सर्वप्रथम मई 2005 में सेफ्रन आर्ट की ऑनलाइन नीलामी में आपकी एक महत्वपूर्ण कृति काली 1 करोड़ रुपए में बिकी। इसके बाद सितंबर की क्रिस्टी की न्यूयॉर्क में आयोजित नीलामी में महिषासुर की बिक्री ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नवीन इतिहास रचा। आपकी इस ऐतिहासिक कृति को न्यूयॉर्क के राजीव चौधरी ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा। वर्ष के अंत में ओशियान की नीलामी में आपकी जेस्चर नामक कृति ने अन्य रिकॉर्ड तोड़े। ये पेंटिंग कॉमी ट्रेवल के चेयरमैन रंजीत मलकानी द्वारा 3,10,00,000 रुपए में खरीदी थी उन्होंने। इसके पूर्व ओशियान की सबसे महंगी कृति जो है बीएस गायतोंडे की अनटाइटल थी, जो 92,00,000 रुपए में बिकी थी। आपकी कला बाजार में ख्याति तथा पेंटिंग की बिक्री का सिलसिला 2006 में भी जारी रहा। ओशियन की एक अन्य नीलामी में मैम अभी फिर से म्यूट हो गया है। हेलो हेलो मैम, अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। 2006 की नीलामी में सबसे ऊंचे मूल्य पर बिकने वाली कृतियों में आपकी फॉलिंग फिगर विद वर्ड को द्वितीय नंबर प्राप्त हुआ। यह 1.24 करोड़ में खरीदी गई। इसके साथ ही आपकी ट्रस्टबल
टॉर जो है आयोजित किया। एक अन्य पेंटिंग जिस अनटाइटल थी इस समारोह की प्रमुख कृतियों में से एक है। इस कृति का मूल्य 3 करोड़ के आसपास आका गया था। के बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार एमएफ हुसैन का भी कहना है कि तैयब उनसे कहीं ज्यादा योग्य हैं। जितना उन्हें क्रिस्टी में मिला, आखिरकार गायतोंडे के साथ तैयब मेहता देश के सर्वोत्तम कलाकारों में से एक हैं। आज भी आप एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा कला साधना में लगे हुए हैं। मेहता जी का तो अपना कहना ही है कि चित्रकार नेक्स्ट जो चित्रकार हैं वो है मंजीत बाबा। मंजीत जी एक विचारों तक संवेदना संपन्न कलाकार हैं, जिनकी कृतियों में आपकी अपनी विशिष्टता दिखाई देती है। अपनी प्रखर मेधा से आपने कला के अनेक क्षेत्रों के अज्ञात संभावनाओं को उजागर किया है और समृद्ध भी किया है। सिल्क स्क्रीन पेंटर के रूप में अपना कैरियर आरंभ करने वाले मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1940 में धुरी कस्बे में हुआ था, जो कि पंजाब में है। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सो काम की तलाश में दिल्ली आ गए। बाल्यकाल में ही रेखांकन के साथ अन्य कलाओं के अंकुर जो है उनमें फूटने लगे। नाटक, नौटंकी और बांसुरी का प्रेम उन्हें बहुत अधिक था। हिंदी और पंजाबी कविताएं लिखने वाले मंजीत जी कबीर, बुल्ले शाह, पूर्ण सिंह, हरभजन सिंह की कविताओं के बहुत अधिक प्रशंसक हैं। पेपर, कोलाज, क्ले, सिरेमिक, मेटल, ग्लास आदि अनेक विधाओं में आपने अपनी प्रतिभा को जो है सिद्ध किया है। आपने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से कला में डिप्लोमा करने के पश्चात लंदन के प्रिंटिंग स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 1972 में आप वापस आ गए। आरंभ में मानवीय रूपाकारों को चित्रित करने वाले मंजीत जी की कला में एक तरह की सरलता है। वजन में हल्की तथा हवा में तैरती हुई ये आकृतियां काली घाट की पेंटिंग्स की भांति लगती हैं। पेंटिंग्स की विषय वस्तु एवं रंग योजना बसौली पेंटिंग से प्रेरित है, जिसमें लयात्मक रेखांकन, सरल रूपाकार तथा जीवंतता के दर्शन होते हैं। आरंभ में लोग कहते थे कि ये सरदार भला क्या पेंटर बन पाएगा, लेकिन धुन के पक्के मंजीत ने सबकी आकांक्षाओं से परे चित्रकार बनने का रास्ता चुना और मील का पत्थर बन गए। कला बाजार में मंजीत जी की पेंटिंग जो है हाथों हाथ बिक जाती है। फैशन एवं आभूषण डिजाइनिंग से लेकर फिल्म में एक्टिंग करने तक कला की अनेकों विधाओं ने आपको सदैव आकर्षित किया है। घूमने के शौकीन बाबा ने अनेकों बार देश का भ्रमण किया। 1978 में आप स्वामीनाथन के संपर्क में आए तो उनकी कला दुनिया
बराबर में ही था। स्वामीनाथन जी के साथ गढ़ी स्टूडियो में लंबे समय तक आपने कार्य किया तथा युवा चित्रकारों को दिशा प्रदान की। आपने अनेक प्रोजेक्ट जो है पूर्ण किए और लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आपने अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की, फिर वह भारतीय शहर हो अथवा विदेशी। ललित कला अकादमी का प्रथम राष्ट्रीय अवार्ड आपने 1956 में प्राप्त किया तथा 1957 और 73 में भी यही अवार्ड उन्हें दोबारा मिले। मंजीत बाबा ने अपनी पेंटिंग्स में वस्तु जगत, रूपगत एवं आकारों में विरूपण शैली को विकसित किया जो दर्शकों पद पर आपने कार्य किया। उम्र में आपका जो है निधन हो गया। मैं आपने क्या बोला फिर से बोल दीजिए, आवाज चली गई थी। अच्छा, मंजीत बाबा ने अपनी पेंटिंग्स में वस्तु जगत, रूपगत एवं आकारों में विरूपण शैली को विकसित किया जो दर्शकों को कुछ पल के लिए विचलित कर देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के पद पर भी आपने कार्य किया तथा कई कला संगठनों से आप जुड़े रहे। 29 दिसंबर 2008 को 67 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया। नेक्स्ट चित्रकार हैं आपके राम कुमार। हिंदी साहित्य के कुछ बोला? नहीं मैम, नहीं, थैंक यू मैम। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार रामकुमार साहित्य के साथ साथ चित्रकला में भी उतनी ही विशिष्टता रखते हैं जिस प्रकार अपनी कहानियों में पात्रों के है जब अपने आसपास के वातावरण को हम जीते हैं। जिस प्रकार बिंदु से विस्तार की प्रक्रिया प्रकृति का लक्ष्य है तथा विस्तार से बिंदु मानव जीवन की प्रक्रिया, ठीक उसी प्रकार आप अपने चित्रों को भी रचते हैं। आपके चित्रों में गहरी प्रश्नानुकूलता है, अंतर संवाद है और मानसिक उद्वेलन जो कि दर्शकों को सोचने के लिए बाध्य कर देता है। फिर वह आपके चित्र मूर्त रूप में हो अथवा अमूर्त शैली में। यद्यपि चित्रकला की औपचारिक शिक्षा आपने प्राप्त नहीं की थी किंतु बचपन से ही कला के प्रति आपका रुझान था। स्नातकोत्तर उपरांत आपने फेरनार्ड लेचे के निर्देशन में ग्राफिक्स की शिक्षा जो है प्राप्त की। सन 1970 में आपको JRD की थर्ड फेलोशिप प्राप्त हुई और आप अमेरिका चले गए। देश विदेशों में आपने वर्षों तक अध्ययन एवं प्रयोग किया। घर बार्सा एथेंस सहित अनेक देशों में आयोजित की जा चुकी है। ललित कला रत्न सम्मान, कालिदास सम्मान, साओ पाओलो, पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित राम कुमार निरंतर चित्र साधना में लीन रहते हैं।
नेक्स्ट कलाकार हैं आपके असद अली। नूतन प्रयोगों की श्रृंखला में असद अली का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। विदेश के कुछ एक बहुआयामी प्रतिभावान कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को माध्यम विशेष में नहीं समेटा, बल्कि रुचि, संभावना और भावानुकूलता के माध्यमों का चयन करते हुए चित्रों की जीवंतता के नित नूतन पहलुओं को उजागर किया। उनके चित्रकार में हमें अत्याधुनिक कार्यशैली देखने को मिलती है। उन्होंने धर्म विहीन चित्रों को मात्र छाया प्रकाश एवं उभार के द्वारा रूप प्रदान किया है, और यह अनोखा रूप लाने में उन्होंने सुई धागा, कैनवस के पीछे प्लास्टिक कोटेड एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया है, जो उनके कैनवास में एक प्रकार का उभार तथा गहराई का भाव लाते हैं या गहराई को प्रकट करते हैं। इसी से छाया प्रकाश भी उत्पन्न होता है। एक चित्रकार के रूप में कैनवस पर किया गया उनका ये प्रयोग दर्शकों को नवीनता का आभास कराता है, जिसमें संवेदना एवं आनंद की अनुभूति होती है। चित्रों में रंगों का कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि इसमें आकार, आयाम तथा छाया प्रकाश को ही मुख्य तत्व माना गया है। लखनऊ में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में शामिल उनका एक चित्र, जिसका शीर्षक कॉस्मस था, प्रदर्शित किया गया, जिसमें एल्युमिनियम प्लेट एवं सुई धागे की सहायता से कला फलक पर या कैनवस पर उसे चित्रित किया गया था। इस चित्र की कुल कीमत 90,000 रुपए रखी गई थी तथा चित्र का माध्यम जो है कोलाज था। इस उत्कृष्ट चित्र में एक ही आकृति की अनेकों बार अनुकृति बनाई गई थी या पुनरावृत्ति की गई थी, जो आलेखन का स्मरण कराती थी तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था से इसमें पूर्णता का आभास हो रहा था। उसके उभार की वजह से, शेड बनने की वजह से उसमें अलग ही इसका रूप निकल कर के आ रहा था। यद्यपि असद अली ने रेखांकन, मूर्तिकारी, लेखन कार्य भी किया है, परंतु चित्रण कार्य में किया गया उनका यह प्रयोग नवीन कलाकारों की श्रेणी में आपको खड़ा करता है, जो सृजन कार्य में किसी बंधन में बंधने को तैयार नहीं। अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति करने को तत्पर रहते हैं। आपकी कृतियां भारतीय संस्कृति की मौलिकता को बनाए रखते हुए माध्यम की सीमाओं को पार कर परिवर्तनशील प्रकृति, समाज के नित नूतन क्षणों एवं आयामों को सफलता से प्रतिबिंबित करती है। इनमें हमें सामाजिकता, नैसर्गिकता, राजनीति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता आदि के साथ साथ उनकी जो निजता है या निज शैली है, जो उनकी निजी शैली है, वो भी देखने को मिलती है। उनकी कार्यशैली एवं कृतियां भावी पीढ़ी को किसी भी चुनौती को स्वीकारने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट चित्रकार जो है विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य यद्यपि मुख्य रूप से अति यथार्थवादी चित्रकार कहलाते हैं, परंतु उनकी कला सुपर या हाइपर रियलिज्म से भी जुड़ी रही थी।
70 के दशक में पश्चिम में फोटो चित्रों की नकल की जाती रही। फोटो यथार्थवादी भी चित्रकारों को दरअसल कई दशकों से चमत्कृत और प्रेरित करते रहे हैं। आपने चूंकि पोर्ट्रेट पेंटिंग में कई कमाल किए हैं, इसलिए उनकी यथार्थवादी कलाकार के रूप में पहचान है। विकास ने एक साथ कई माध्यमों से जुड़कर चित्रों की रचना की तथा कई विधाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। फोटो, सिनेमा, स्वप्न आदि सभी के सम्मिश्रण से उनका जो कला संसार है बहुत ही अद्भुत है। जोगेन चौधरी, कवि, लेखक और चित्रकार जोगेन चौधरी, जिन्हें रूढ़िवादी धारणा का अनुसरण करने वाला कहा जाता है, उन्होंने भी कई माध्यमों के एक साथ प्रयोग कर अपनी प्रयोग धर्मिता का परिचय दिया है। उनके दो चित्र, एक साथ दो स्वप्न तथा प्रकाश और छाया, इसी प्रकार क्रमशः जल रंग एवं इंक तथा चौक से निर्मित है। चित्र में यथार्थ जगत से परे कल्पना जगत का चित्रण किया गया है। इसमें उन्होंने बदलते हुए युग को चित्रित किया है, जिसमें जुगुप्सा के अतिरिक्त एक बारीक अध्ययन और तर्क भी व्याप्त है। कुछ कुछ इसी तरीके के भाव जो हैं, उनके अन्य चित्रों में भी दर्शाए गए हैं। मात्र दो रंगों के प्रयोग से छाया प्रकाश का अद्भुत प्रभाव जो है चित्रों में उत्पन्न किया गया है। रेखा रहित चित्रण, चेहरा विहीन मनवाकृतियां बनाई गई हैं, जिनके अंग प्रत्यंग भी पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। ये चित्र जो है विलाप एवं संतराश की भाव को प्रदर्शित करते हैं। सामान्य बाबू और सुंदर प्रलोभनी रमणी की आकृतियां अक्सर दिखाई देती हैं और वह उनके लौकिक परिहास को, जो सामान्यतः बुराई के प्रति एक चेतावनी है, अत्यधिक संदिग्ध विडंबना में परिवर्तित कर देते हैं। यह किसी रोग से कम नहीं है, जिसे यथासंभव आधुनिक कला की विशेषता कहा जाता है। शाही और क्रेयॉन में सूक्ष्म रूप से निर्मित संरचना आकृतियों को एक गली हुई काया का रूप प्रदान करती है और चित्रों की श्रृंखला जो भावुकतापूर्ण और हास्यजनक तथा उत्तेजक है। सामाजिक भ्रष्टाचार जोगेन चौधरी ने गणेश की छवि को एक अनोखा रूप प्रदान किया है। भारतीय समाज में गणेश की सुंदर कृतियां हर किसी को आकर्षित करती हैं, पर इसके विपरीत कला का बड़ा बाजार वर्ग जोगेन के इस विरूपित गणेशों का जो है दीवाना है। जोगेन की वर्तमान शैली लंबे आत्मसंघर्ष का परिणाम है, जो कला बाजार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अब है विवान सुंदरम। पहले चित्र बनाना, फिर मूर्ति निर्माण और इसके बाद इंस्टॉलेशन का आयोजन करना, ये उनकी पहचान है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवान सुंदरम की
इस संबंध में उनका स्वयं का विचार है कि जब मैंने पेंटिंग्स करना बंद किया उस समय भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वातावरण काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा था। राजीव गांधी ने उदारीकरण की नीति के तहत भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ की थी। भारत कला संसार में उस समय पेंटिंग और मूर्ति शिल्प के अलावा भारत में और कुछ नया नहीं हो रहा था, जबकि यूरोपीय देशों में बड़ी तेजी से वातावरण बदल रहा था। उस समय मैंने कुछ नव युवक मूर्ति शिल्पों को लेकर के एक वर्कशॉप जो है आयोजित की। उस वर्कशॉप में कुछ नई बात थी, मूर्ति शिल्प और पेंटिंग को लेकर के जो प्रयोग मैंने शुरू किए उनसे एक अलग ही चीज का जन्म हुआ। मूर्ति शिल्प मेरे इंस्टॉलेशन का विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। एक चित्रकार के रूप में उनका यह प्रयास अद्भुत एवं एक साहसिक कदम है। आपने पहले इंस्टॉलेशन इंडियन ऑयल, जिसमें उन्होंने मूर्ति शिल्प एवं पेंटिंग दोनों को सम्मिलित किया था। इस इंस्टॉलेशन की सफलता के उपरांत आपने अनेक इंस्टॉलेशन जो है आयोजित किए। पिछले कुछ दिनों से वो अमृता शेरगिल के कुछ छाया चित्रों को डिजिटल पद्धति के द्वारा एक नवीन रूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से जब निकल करके आएंगे तो कुछ ये प्रयास जो है कुछ अनोखा ही होगा। जिस प्रकार बेवान के इंस्टॉलेशन अनोखे एवं अद्वितीय हैं, उसी प्रकार उनके चित्र भी नवीनता का आभास कराते हैं। अन्य चित्रकारों की भांति ही एक ही माध्यम में कार्य करने की अपेक्षा तेल चारकोल दोनों माध्यमों से ज्यादातर पेंटिंग्स में काम किया है। एक चित्र है डेथ ऑफ द अकादियन के, इसमें उन्होंने एक राजा की मृत्यु को दर्शाया गया है। ये चित्र दो रंगों से ही बना है। चित्र में जो है मार्मिक भाव उत्पन्न करने के लिए जो है उसी के विभिन्न शेड प्रयोग किए हैं। 80 के दशक में बना यह चित्र गंभीर एवं भाव की दृष्टि से गंभीर तथा अनोखा है। अपर्णा कौर, नेक्स्ट चित्रकार अपर्णा कौर। अपर्णा जी की कला विकास में गुरु ग्रंथ साहिब का केंद्रीय स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म 1954 में दिल्ली में हुआ, पर अपर्णा जी के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक होने का यह अर्थ नहीं है जो व्यक्ति को संकीर्ण और संस्थाओं का कैदी बना देता है। आपके अनुसार धर्म का अर्थ है खुलापन, दर्शन, कविता और धर्मनिरपेक्षता। सन 1957 में भारत की आजादी के जब 50 साल मनाए जा रहे थे तो आपने नाना की पेंटिंग बनाई, जिसमें उनके सिर पर एक पीढ़ी पर जो है गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ है। पीठ पर चार बूढ़े गठरी है में है। अपर्णा जी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की धर्म निरपेक्ष कविता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कविता प्रेम के बारे में बात करती है। कबीर, जयदेव, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना, पीपा, सूरदास, मीरा, गुरु अर्जुन देव, मर्दाना साहिब सब एक साथ इस ग्रंथ में है। आपने सोनी महिवाल की प्रेम कहानी पर भी अनेक चित्र बनाए।
कबीर हो या गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब के गहरे अर्थ ने इन सभी श्रृंखलाओं को जो है प्रेरित किया है। 1933 में कबीर पर अपनी एक चर्चित श्रृंखला बनाई थी, बॉडी इज जस्ट अ गार्मेंट। इस श्रृंखला में 33 चित्र थे और टेराकोटा में 5 इंस्टॉलेशन। 2000 में उन्होंने सोहनी पर चित्र श्रृंखला बनाई। कई साल पहले मानसी के लिए सोहनी पर एक कलाकृति वह बन चुकी थी, पर 2000 में सोहनी पर एक पूरी जो है श्रृंखला प्रदर्शित हुई। तो अपर्णा जी ने गुरु ग्रंथ साहब को उद्धृत किया। अपर्णा जी के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब की कविताओं में इंद्रियता भी उन्हें आकर्षित करती रही है। आखिरकार गुरु ग्रंथ साहब एक गृहस्थ थे, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया आदि ऐसी कविताओं ने इन प्रेम और करुणा की जिनमें बात की गई हो, ईश्वर और अहम का जिसमें दर्शन हो, इन सभी को इन्होंने अपनी चित्रों में प्रदर्शित किया है। आपका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ। मृणाली जी के तंतु मूर्ति शिल्प वर्तमान में आधुनिक भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। देहरादून से हाई स्कूल करने के बाद मृणाली जी बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में दाखिल हुई, एडमिशन हुआ। इसके बाद मृणाली जी शांति निकेतन भी आसानी से जा सकती थी, लेकिन पिता ने बड़ौदा में भेजना पसंद किया। केजी सुब्रमण्यम की देखरेख में अनगिनत कलाकार आधुनिक भारतीय कला जगत में उभरे हैं, जिनमें मृणाली जी एक प्रमुख चित्रकार हैं, कलाकार हैं। म्यूरल की शिक्षा के समय मृणाली जी ने जब पतली रस्सियों की बनावट में काम करना शुरू किया तो आपका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हुआ। 1975 और 1976 में मृणाली जी को तंतु मूर्ति शिल्प क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कामों को जानने का मौका मिला। तब वे अपना रास्ता खोजना शुरू कर चुके थे। सन 1977 और 78 में मृणाली जी को ब्रिटिश काउंसलिंग स्कॉलरशिप मिली और उन्हें पश्चिम में रहकर अपने जो कार्य हैं, जो कलाकृतियां हैं, उनको जानने और जांचने का भी मौका मिला। विदेश में उन्होंने मूर्ति शिल्प पर ज्यादा काम नहीं किया। इन दिनों मृणाली जी ललित कला अकादमी गढ़ी की कार्यशाला में कार्य कर रही हैं। जिस तरह के माध्यम में वे काम कर रही हैं, उसके लिए काफी जगह चाहिए, ऊंची छत के अलावा आसपास भी पर्याप्त खाली जगह। गढ़ी में चूंकि अनेक कलाकार कार्य करते हैं, इसलिए वहां पर इस तरह का ज्यादा स्थान पाना आसान काम नहीं है। मृणाली जी ने जो माध्यम चुना है उसमें काफी धैर्य भी चाहिए। फिलहाल 1-2 वर्ष मूर्ति शिल्पों की रचना हो जाए तो भी ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन मृणाली जी ने शुरू से ही काफी स्पीड में काम किया। इधर उन्होंने ग्राफिक, कास्ट छापों और लिथोग्राफ इचिंग में भी काम किया है। लैंडस्केप को आधार बनाकर पेड़ों और वनस्पतियों को अपने छापों का जो है विषय बनाया है। मृणाली जी की मूल सामग्री है सन, पतली पतली रस्सियों के वे बोरे खरीदती हैं। मूर्ति शिल्प में सन स्वाभाविक रंगों का इस्तेमाल तो वो करती ही हैं, इनमें बैंगनी, हरे, नीले, काले, सुनहरे और अनेक तमाम तरह के कलर
प्रयोग किए जाते हैं। विशेष बुनावट पाने के लिए वह स्वयं अपनी देखरेख में इन रस्सियों को रंगती हैं। तब जाकर के मूर्ति शिल्प का कार्य आरंभ होता है। जब तक बहुत बड़ा काम न करना हो तो मृणालिनी जी अपने काम के रेखांकन की जरूरत नहीं समझती। एक दो बार रेखाओं से ही कोई प्रारूप जो है तैयार होता है। आपकी खासियत ये है कि उनके चेहरों के हाव भाव, आंखों की बनावट आदि में अपना ही रंग रूप है। उनकी स्त्री कभी सिर्फ देख रही होती है, कभी किसी जानवर को बहुत प्यार से अपने से चिपटाए हुए नजर आती है, कभी अपने बच्चे से वह कोई सार्थक रिश्ता बनाना चाहती है। आपने अपने कैनवस पर अगर नग्न स्त्री को भी पेंट किया है तो भी वहां ऐंद्रिकता महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। एक दुबली पतली नग्न औरत प्रेक्षक को रिझाएगी नहीं, वह पुरुषों को उनकी कैद से मुक्ति करने की कोशिश करेगी। जीवन के प्रति लगाव के कारण कल्पना शक्ति का यह रूप उभर कर सामने आता है। दिल्ली में ललित कला अकादमी की सुप्रसिद्ध गढ़ी कार्यशाला में सामुदायिक स्टूडियो में आपने अपने कोने में पेंटिंग से घिरी सरोज पाल से बातचीत के दौरान बताया कि मेरी पेंटिंग में औरत होना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। औरत होने का जो अनुभव है उसका मैं खूब रचनात्मक इस्तेमाल करती हूँ। मुझे तो औरत होना एक लाभप्रद स्थिति नजर आती है। जब गोगी ने उनसे पूछा कैसे, बच्चा पैदा करने का जो अनुभव है सचमुच वही कितने कमाल का है, रचनात्मकता का कितना तीखा एहसास है उसमें। बच्चे को पैदा करने और उसे बड़ा करने के अनुभव ने मुझे पेंट करना सिखाया है। मुझे अपने होने की कोई तकलीफ नहीं है। उसी बातचीत में उन्होंने बताया था कि अकादमी के तत्कालीन सचिव जो कि रिचर्ड बार्थोलोमियू अपने साथ किसी विदेशी मेहमान को लेकर के आए, सरोजी से परिचय भी कराया। वे सरोजी की कुछ पेंटिंग्स को लेना चाहते थे। सरोजपाल की एक ताजा पेंटिंग में केशहीन मस्तक वाली स्त्री एक बच्चे को लिए खड़ी थी। बच्चे से उसका सहज संबंध नजर नहीं आया। विदेशी मेहमान ने कहा, इस बच्चे का चेहरा बूढ़ों की भांति क्यों बनाया है, कोई खास वजह? सरोजी थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर दोनों हाथ एक खास अंदाज में पीछे की तरफ करते हुए बोली, इसकी एक लंबी कहानी है, इतनी छोटी सी मुलाकात में क्या बता दूं। एक कलाकार के रूप में सरोजपाल जी को महसूस होता है कि शुरू से ही संयोजन आदि तो बहुत सीख समझ लिया, पर कला में भाव एवं संवेग जो है अब तक गायब थे। बरसों बाद जब सरोज जी को कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला और जामा मस्जिद के घने इलाके में रहकर औरतों की जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिला, तब उनकी कला में निर्णायक बदलाव आया। सरोज जी को मॉरिस ग्रेव्स की एक कलाकृति अंधी चिड़िया बहुत पसंद थी। एक दिन अचानक मॉरिस ग्रेव्स 1981 में गढ़ी आ गए और उन्होंने सरोजी के काम को देखा। सरोजी के अंदाज को देखकर कोई कहता, तुम पैगंबर बनना चाहती हो या कलाकार? तो वह कहती, मैं तो दोनों बनना चाहती। पैगंबर होना कोई आसान चीज नहीं है, जमीन की ही है। सरोजपाल जी फैशनेबल पेंटर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहती थी और कला बाजार की शर्तों के हिसाब से काम भी नहीं करना चाहती थी। सरोजी ने 2-3 स्त्रियों के नग्न चित्र बनाए। जाहिर है उन्हें देखकर सावित्री सरी की चितेरियों ने न्यूड याद करना लिखा है।
सरोज जी के चित्रों में भारतीय स्त्रियों की जो हालत और तस्वीर मिलती है उसमें एक गहरी और मार्मिक सच्चाई है। आपकी कला में लोक कला और कथित आदिम जनजातियों की कला तथा बच्चों की कला को पहचाना जा सकता है। दिल्ली में एक रेखांकन प्रदर्शनी में सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वामीनाथन ने आपकी पेंटिंग को देखकर देखा और उस पर अत्यंत मुग्ध हो गए। चित्र को समझाते हुए बोले, इसको देखकर मुझे भूरी की याद आ रही है। भूरी बाई मध्य प्रदेश की एक आदिवासी कलाकार हैं। माधवी जी की उपलब्धि यही है कि उनके चित्रों को देखकर भूरी बाई याद आती है, तो पश्चिम की आधुनिक कला के एक जर्मन चित्रकार पाउल क्ले को भी याद किया जा सकता है। जो नेक्स्ट चित्रकार है वो है सरोज पाल गोगी। सरोज पाल गोगी के चित्रों को पिछले दशकों में काफी चर्चा मिली, पर आपने जो सफलता पाई उसका रास्ता भी इतना आसान नहीं था। सरोज पाल जी का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के न्योली में हुआ। 1961 में बनस्थली के कला विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के उपरांत आप लखनऊ आ गईं। लखनऊ के कला महाविद्यालय में ग्राफिक की छात्रा सरोज पाल यशपाल परिवार की सदस्य होने की वजह से दूसरी लड़कियों से अलग थी, पर उस समय कला की दुनिया में उनके जो सरोकार थे वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे थे अपने बोल और जीवन शैली के कारण भी। सरोज पाल दूसरी महिला कलाकारों से अलग नजर आती थी। फिर दिल्ली से वह लखनऊ से वो दिल्ली चली गई, जहां आपने 16-17 साल में जिंदगी के कई रूप देखे। जामा मस्जिद के तंग इलाके से लेकर तारा अपार्टमेंट जहां वो रहती थी, तारा अपार्टमेंट की तथा कथित आधुनिक दुनिया में सरोज पाल जी ने अपने चेहरों की खास जो चेहरों के जो है खास तरह से करुणा ममता और उदासी के रूपों में पहचाना। एक गहरी मानवीय समझ के साथ सरोजी ने स्त्री पुरुषों और बच्चों को अपने चित्रों में जगह दी। सरोज पाल जी के चित्र क्लासिक दुनिया से भी रिश्ता बनाए रहते हैं। चित्रों में जो चमक और फिनिश न होने के कारण एक उदासी, एक अकेलापन दिखाई देता है, वही इनके चित्रों की ताकत है। 1987 में देवराला के सतीकांड ने देश भर की भावनाओं को उद्वेलित किया था। सरोज पाल ने अपनी नई चित्र श्रृंखला में बहस को ध्यान में रखा और उन्होंने रूप कवर हत्याकांड पर अपनी टिप्पणी दूसरी तरह से की। एक जागरूक महिला होने के कारण उनमें इस हादसे को लेकर बेचैनी और उत्तेलन दिखाई देती थी। कैनवस पर यह बेचैनी अपेक्षाकृत संयम और धैर्य के साथ चीजों को सामने रखना चाहती थी। इस श्रृंखला में अनेक चित्रों में कई पुरुष बैठे हुए हैं और सामने मेज पर एक स्त्री औंधे मुंह पड़ी हुई है। इस तरह के विषय जो अब बहस के भी लायक नहीं रह गए, उस पर अजीबोगरीब बहस चलती हुई दिखाई पड़ती है। अन्य
पतंजलि जी की कृतियां रूपकों और प्रतीकों के मध्य खुलती हैं, जहां स्त्री पुरुष पादरी कोई पतंग जैसे प्रतीक नए अर्थों और नए आयामों के वाहक होते हैं। अंजलि जी अपने प्रेक्षकों को जिस चित्र संसार में ले जाती हैं, वह संसार रहस्यात्मकता के साथ जीवन के गहरे क्षणों से हम सबका साक्षात्कार कराता है। अपनी पद्धति में नितांत वैयक्तिक होते हुए भी अंजलि जी जिन विषयों को उठाती हैं, वे विषय कहीं भी सामाजिक यथार्थ की खिड़कियों को खोल देते हैं। ये खिड़कियां भी अंजलि की कृतियों की प्रबल प्रतीक हैं, जो घर के अंतरंग दृश्यों को प्रस्तुत करती हैं। कहीं गेम्स दिखाई देते हैं, कहीं फ्रेम के खानों में पतंग साइकिल आदि। इस तरीके के विलक्षण प्रयोग आपने अपनी पेंटिंग्स में किए हैं, जो एक अलग पहचान आपकी बनाते हैं। आपको भी अनेक एकल आपकी अनेक एकल प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित जो है किया जा चुका है। नेक्स्ट कलाकार आ रही है, वो है आपकी माधवी पारेख। माधवी जी देश की जानी मानी आधुनिक चित्रकारों में से हैं। इनका जन्म गुजरात के गांव में सन 1942 में हुआ था, जहां बरसों से कोलकाता दिल्ली मुंबई आदि की आधुनिक कला पीठिकाओं में आप घूम रही थी। कलाकारों के काम को नजदीक से देख रही थी, उन्हें सुन रही थी। आपके पति मनु पारेख स्वयं एक सुप्रसिद्ध और जाने माने आधुनिक कलाकार हैं, लेकिन माधवी जी ने आज भी अपने आप को गांव से जोड़े रखा है। सतही तह पर नहीं, गहराई में जाकर बहुत मन से 22 साल की उम्र में आपने पेंटिंग बनाना आरंभ किया। शादी के बाद आप मनु पारेख जी के कारण मुंबई की आधुनिक गैलरियों में जाती थी। 23-24 साल माधवी जी घर से बाहर अपना अधिकांश समय गैलरियों में ही बिताती रही। शादी के बाद जो एक तरह से पूरी अजनबी दुनिया थी उनके लिए, उसे माधवी जी ने उस अजनबी दुनिया को अपना बना लिया। वर्तमान में देशी विदेशी विशेषज्ञों की भीड़ में माधवी बहुत ऊंची ऊंची राह दिखाती हैं, जबकि उनकी कलाकृतियां दर्शकों को और प्रेक्षकों को बाल सुलभ दिखाई देती हैं, जो उनके हृदय को छू लेती हैं। आपकी पेंटिंग्स को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, अनेक एकल प्रदर्शनियां आपकी आयोजित हो चुकी हैं। कला विशेषज्ञ उनकी कृतियों के महत्व को समय समय पर जो है स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन माधवी ने अपने सतही स्तर पर मुक्त न करके सच्चे अर्थों में जो है अपनी कृतियों को अपनी कला को मुक्त किया है। एक औसत गृहिणी के जीवन की ऊब और रस्ता को तोड़कर माधवी जी ने अपने सृजनात्मक रूप को पहचाना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माधवी जी को आज भी घर में समय बिताना, घर के काम करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिदिन वो अपनी पेंटिंग को 3-4 घंटे निरंतर देती रही है।
नेक्स्ट चित्रकार है अंजुम सिंह। 1967 में आपका जन्म हुआ। कला भवन शांति निकेतन, दिल्ली कला महाविद्यालय और वॉशिंगटन अमेरिका के कोरकोरन स्कूल ऑफ कलाकार बेटी है। आप आधुनिक जीवन की अपनी एक अलग चित्र भाषा बनाने में लगी हुई है। इन कलाकारों के जो महिला चित्रकार हैं, शिल्पकारों के अतिरिक्त मृदुला सिंह, मंजुला चतुर्वेदी, रागनी रॉय, प्रोफेसर पुष्पा दुल्लर, प्रोफेसर कुमकुम, प्रोफेसर इला आदि ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने कला प्रयोगों से कला जगत में जो है हलचल मचाई है। भारतीय महिला कलाकारों ने अन्य कलाकारों के साथ अनेक मौलिक प्रयोग किए हैं और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को समृद्ध किया है। परिणामतः भारतीय महिला कलाकारों की ख्याति भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कला जगत में फैली है। दमयंती चावला, नसरीन मोहम्मदी, देवयानी कृष्ण, जया पास्वामी, साविया अंजलि, इला मेनन, अर्पिता सिंह ऐसे नाम हैं जिन्होंने कला जगत में अपने आप को स्तंभ की भांति स्थापित किया है। जयाप्पा स्वामी, जिनका जन्म 1918 में हुआ, चित्रकार हैं, कला समीक्षक और कला इतिहासकार। आप शांति निकेतन से प्रशिक्षित हैं। चीन जाकर आपने चीनी कला शैली सीखी, ब्रश स्ट्रोक्स की जटिलताओं को पहचाना, तैल रंगों, जल रंगों तथा रंगीन स्याही में जया जी ने काफी ख्याति ১৯৮৪ में आपका जो है देहावसान हो चुका है। देवयानी कृष्णा है, जिनका जन्म 1918 में मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से आप प्रशिक्षित हैं। पेंटिंग, रेखांकन, सिरेमिक्स और प्रिंट मेकिंग आदि माध्यमों में आप सक्रिय रही हैं। पर प्रिंट मेकिंग में देवयानी जी बहुत विख्यात हैं। अल्लाह, बम बम भोले माँ जैसी सीरीज आपने बनाई है। आपने ध्वनि एवं गति का सुंदर मेल इनमें चित्रित किया है। रंग, टेक्सचर, डिजाइन, सेंस आदि में आप कुशल चितेरी हैं। सन 2002 में आपका भी देहावसान हो चुका है। दमयंती चावला, आपका जन्म 1920 में हुआ। आपने लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट और लंदन के स्लेट स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आप म्यूरल पेंटिंग में भी बहुत ख्याति प्राप्त चित्रकार थी। आप आकृति मूलकता और अमूर्तन दोनों से ही प्रभावित कलाकार थी। प्रारंभिक वर्षों की दमयंती चावला की कला का बहुत अधिक महत्व है, आज भी बहुत अधिक महत्व है। मीरा मुखर्जी हैं, जिनका जन्म 1923 में कलकत्ता में हुआ। आपने कलकत्ता के ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के बाद दिल्ली कला विश्वविद्यालय में जो है कला की शिक्षा प्राप्त की। 1953 में स्कॉलरशिप के लिए म्यूनिख जाने का अवसर मिला। आपने 1957 में भारत आने के उपरांत वस्त्र की जो आदिवासी कला थी उसका गहन अध्ययन किया।
मीरा जी ने भारत नेपाल के स्थानीय धातु शिल्पियों की कला का महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया। आपका ग्रामीण शिल्पियों के प्रति एक विशेष आकर्षण था, इसी कारण इन्होंने उस पर विशेष अध्ययन भी किया। आपकी से संबंधित कई पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। मीरा जी की कलाकृतियां आधुनिक भी हैं और जीवन परंपरा से भी उनका बहुत गहरा संबंध है। 1998 में आपका देहावसान जो है हो चुका है। नेक्स्ट चित्रकार जो है अमीना अहमद कर, 1930 में आपका जन्म हुआ। भारत की आप अकेली कलाकार हैं जो पेरिस में सीधे पिकासो के संरक्षण में कार्य कर चुकी हैं। अमूर्त रंग रूपाकारों की दुनिया में आपने अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। ऑयल पेंटिंग, म्यूरल, ग्राफिक्स तीनों विधाओं में वह सक्रिय रही हैं। प्रिंट मेकिंग की तकनीक को उन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध हेटर स्टूडियो में सीखा था। उन्हें कला स्कॉलर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो चित्रकार हैं वो हैं सरवरी। टाइम हो चुका है क्या? चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। आपका जन्म 1933 में पूर्व बंगाल में हुआ। आपने 1949 से लेकर के 1957 तक प्रसिद्ध चित्रकार दास गुप्ता के निर्देशन में जो है कला की शिक्षा प्राप्त की। 1956 के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से आपने डिप्लोमा लिया। 62 में इतालवी सरकार की इटली से आपको स्कॉलरशिप मिली। 1967 में प्रथम त्रैवार्षिकी प्रदर्शनी में आपको पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। आपने 1969 से लेकर के 1984 तक शांति निकेतन में मूर्ति शिल्प विभाग में रीडर के पद को सुशोभित किया। आपने अमूर्त काम भी किया है, लेकिन बुनियादी रूप से सरवरी राय चौधरी जी की आकृति मूलक धारा की कलाकार हैं। आपने महत्वपूर्ण संगीतकारों की स्मरणीय सवीहें बनाई हैं या व्यक्ति चित्र या जो पोर्ट्रेट है बनाए हैं। आपने कांस्य टेराकोटा में भी बहुत अधिक कार्य किया है। चलिए आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कल सैटरडे है, कल क्लास होगी क्या? सैटरडे आप लोगों की क्लास होती है? यस मैम, 3 दिन होती है मैम। 3 दिन होती है, मतलब कौन से 3 दिन? 4 दिन होती है, मंडे से वेंसडे तक होती है, बट कभी कभी पोस्टपोन हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है। तो अब शुभम मैम जानती होंगी कल होगी कि नहीं। अच्छा, तो फिर हम मंडे को मिलेंगे? नहीं मैम, एक बार शुभम मैम से कंफर्म कर रहे हैं। शुभम मैम, इस बार कास्ट का शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, इसलिए मैम थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बात कर लूंगी शुभम से। ओके थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।